तो हाय फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ रिया चक्रवर्ती के बारे में। रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूँ, जिसको सुन करके आप सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप सभी लोगों ने थंबनेल पर देखा ही होगा कि रिया चक्रवर्ती का सब लोगों ने छोड़ा साथ, सलमान खान ने थामा हाथ। तो यहाँ पर भी इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने एंट्री की है और उन्होंने ईडी को लेकर के बहुत सारे जो ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बनना, आप सबको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। और साथ ही साथ आप सब लोग ये भी जानते होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को शुरू से ही डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो पहले तो वो सुशांत सिंह राजपूत केस चला था, तो उसके बाद हाथरस केस बीच में ला दिया गया। फिर उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा बहुत ठंडा पड़ने लग गया, तो उसके बाद टीआरपी को बात सब सामने आ गई है। तो यहाँ पर टीआरपी को लेकर के मुझे कुछ ऐसी जो बातें मालूम पड़ी है ना, सुन करके आप सभी लोग बिल्कुल शॉक होंगे। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस में टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो टीआरपी आई है ना, हो सकता है किसी की साजिश हो, या फिर कोई भी नेता या राजनेता कोई भी हो सकता है कि वो सोचता हो सुशांत सिंह राजपूत का केस तो इस मुकाम तक आ गया है, और थोड़ी सी अगर और मेहनत की जाए तो सुशांत सिंह राजपूत के कातिल जो सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पर उसने एक बहुत बड़ी जो चाल चली है कि अगर टीआरपी को इस केस में ला दिया जाए तो सभी लोगों का जो ध्यान है टीआरपी के ऊपर चला जाएगा, और टीआरपी भी लगाई गई तो रिपब्लिक भारत पर, क्योंकि उसने सोचा होगा कि अगर आज तक भी टीआरपी लगाएं या फिर इंडिया टीवी है, इन सब पर टीआरपी का जो आरोप लगाएं तो कोई मतलब नहीं लगेगा। उन्होंने एक सोचे समझे चाल चली है, रिपब्लिक भारत पर अगर टीआरपी का इल्जाम लगाएं तो सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैन है ना, वो सब देखते होंगे रिपब्लिक भारत। मैं तो ये नहीं कहना चाहूँगा, भले वो और भी जो चैनल देखते होंगे, पर सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ प्रोवाइड कर रही थी रिपब्लिक भारत पर। और उसने सोचा होगा क्यों ना रिपब्लिक भारत को ही इस केस में लपेटे में लिया जाए। तो यहाँ पर जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत का केस, तो आप सब जानते भी होंगे किस मुकाम पर है, तो यहाँ पर उस नेता ने इतनी बड़ी जो साजिश रखी है कि टीआरपी की बात सीधी सीधी वो कर दी रिपब्लिक भारत पर, और रिपब्लिक भारत के सपोर्ट में सभी लोग आ जाएंगे जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन हैं। और यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का केस इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा, और आप सब लोग जानते भी होंगे कि टीआरपी की बात इतने दिन हो गए और अभी तक ये चल भी रही है। तो यहाँ पर उस नेता ने इतनी बड़ी सोची समझी साजिश रची है। तो यहाँ पर आप सब लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, रिया चक्रवर्ती जेल से छूटने के बाद भी अभी भी शांत नहीं बैठी है। रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में एक बार फिर से उनकी पीआर टीम खड़ी हो गई है, और सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के ऐसी ऐसी खबरें जो वायरल करनी जो स्टार्ट हो गई है कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसे थे, उनका रिया चक्रवर्ती के साथ कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं था, और रिया चक्रवर्ती पर जो भी एलिगेशन जो लगाए हैं, ऐसे बहुत सारे धोखाधड़ी के आरोप, ऐसे बहुत सारे जो आरोप लगाए गए, ये सब बातें सोशल मीडिया पर इन सबको गलत बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इनकी पीआर टीम इस कदर सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बार फिर से खड़ी हो गई है और रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में, फुल सपोर्ट में आ गई है। और दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पिछले एक दो या दो दिन से रिया चक्रवर्ती को लेकर के कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि रिया चक्रवर्ती जो जाने वाली है बिग बॉस 14 में। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल फेक है, बस ये एक तरीके से अफवाह फैल रही है कि रिया चक्रवर्ती को, आप सब जानते भी होंगे रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग्स केस में तो नाम आ ही गया है ना, तो अब उसको कोई भी बॉलीवुड वाला या कोई भी जो ले गया, कोई भी मूवी जो बनाने वाला, कोई भी डायरेक्टर हो गया, वो सब तो रिया चक्रवर्ती अब लेने वाले नहीं है। तो हो सकता है रिया चक्रवर्ती अब हो सकता है बिग बॉस में जा भी सकती है, क्योंकि आप सब लोग जानते भी होंगे बिग बॉस इतना घटिया जो शो है ना, उसमें उल्टे सीधे ऐसी बातें, ऐसे बहुत सारी गालियाँ ऐसी वैसी बोली भी जाती है। तो रिया चक्रवर्ती को अब फिल्में तो मिलने वाली नहीं रही है, अब उनको ना कोई सीरियल ना कोई कुछ, बस ये जो बिग बॉस है जो सलमान खान जो रिया चक्रवर्ती का फुल सपोर्ट में शुरू से ही आ रहे हैं। तो हो सकता है रिया चक्रवर्ती बिग बॉस में जा भी सकती है या फिर नहीं भी जा सकती है। अब मैं तो चाहूँगा रिया चक्रवर्ती जो बिग बॉस में जाए, क्योंकि
बिग बॉस इतना घटिया जो शो है। तो दोस्तों यहाँ पर अब सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर के कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आ रही है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी के ऊपर ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि ईडी के तरफ से एक इन्फॉर्मेशन भी ये बाहर निकल कर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के जो बैंक अकाउंट है उसको कोई भी ऐसी जो डिटेल या फिर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन उनको हाथ नहीं लगाए। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, सुशांत सिंह राजपूत जो एक बार केरला में जो बाढ़ आई थी तो वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत ने 1 करोड़ का डोनेशन जो दिया था, और उन्होंने लगभग ऐसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो 3 करोड़ का टैक्स या फिर ऐसा कुछ उन्होंने भरा भी था। तो यहाँ पर ये सब तो बातें सामने आ गई है। तो यहाँ पर ईडी को सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से ऐसे कैसा हो सकता है, ऐसे कोई भी जानकारी उनको क्यों नहीं हाथ लगी है। तो यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी को कहा है कि अगर आप सब लोग कोई भी जो इन्फॉर्मेशन या फिर सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से कोई भी ऐसी डिटेल नहीं मिली है तो हमें बताइए ना, अगर आप सब कोई भी जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें जो फैलाए। तो यहाँ पर आप सब लोग क्यों सोशल मीडिया पर ये सब बातें क्यों नहीं कह रहे, ईडी को लेकर के दिया सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा है, तो यहाँ पर आप सब लोग क्या कहना चाहेंगे तो इसके बारे में। तो दोस्तों बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद को जितना ज़्यादा उसके शेयर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।